वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब आज जरा आपकी इन्फॉर्मेशन में हम इजाफा करेंगे और हमने एक प्रोग्राम किया था जनाब टैक्स का दायरा कार बढ़ाने के लिए एक डिपार्टमेंट या एक जोन कायम किया गया था जिसको BTB कहा जाता है, यानी कि ब्रॉडिंग ऑफ टैक्स बेस जोन। इस जोन में एक कमिश्नर होता है जो ऑफिसर्स को डील कर रहा था। जब ये जोन स्टार्ट हुआ था तो हमने ये प्रोग्राम किया था आप लोगों की अवेयरनेस के हवाले से। अब ये जोन जो है वर्किंग में है और इस जोन के हवाले से हमें इन्फॉर्मेशन मजीद मिलेगी, कैसा रिस्पॉन्स आया, किस तरह से काम करता है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद होंगी कमिश्नर यास्मीन फातिमा और उसके साथ साथ हमारे रिपोर्टर होंगे शबीर हैदर। दोनों को वेलकम करेंगे। वेलकम टू द शो मैडम, कैसी हैं? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। फिर सबसे पहले तो हम इस जोन के बारे में बात करें। जब ये स्टार्ट हुआ था तब तो हमने प्रोग्राम किया था, जिन लोगों को नहीं पता ये BTB जोन है क्या। BTB जोन है ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस, यानी कि जो आपके अनरजिस्टर्ड लोग हैं उनको रजिस्टर करना, जो नॉन एंटियन होल्डर्स हैं उनको एंटियन होल्डर्स बनाना। तो मेनली इसका काम ये है कि हम जो अनटैक्स्ड अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है उसको हम डॉक्यूमेंटेड करें। ठीक हो गया। कब से स्टार्ट हुआ ये जोन, किस तरह से वर्किंग करता है ये? वैसे तो ये कि ये एक सबसेट कह लें आप एनफोर्समेंट का है और ये काफ़ी अरसे से, मतलब ये हमारा जो एक फंक्शन है ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस, और ये हर जोन पहले कर रहा था। उसके बाद इनको ज़रूरत महसूस हुई कि एक डेडिकेटेड फोर्स बननी चाहिए, तो इन्होंने अक्टूबर में मुझे पोस्ट किया और नवंबर में ऑफिसर, और दिसंबर से ये फंक्शनल है, फुली फंक्शनल। इसके तीन जोन हैं पूरे पाकिस्तान में, लाहौर, कराची और इस्लामाबाद। ठीक है। अच्छा, ये तीनों जोन किस तरह से फर्दर काम करते हैं? ये तीनों जोन जो हैं ये BTB जो डायरेक्टर जनरल ऑफ BTB है उसके अंडर ये काम करते हैं और तीनों जो है वो ब्रॉडनिंग करते हैं। पहले मेजर सिटीज़ में हमने ओपन किया है और अगर ये तजर्बा कामयाब होता है तो फिर इसको जो है मजीद एक्सटेंड किया जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा शबीर, ये जो जिस तरह मैडम बता रही हैं कि BTB जोन बनाया गया, FBI में ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन के फवायद तो हैं, वो भी थोड़ा सा हमें बताएं। अर्मला, बात यह है कि ये जोन बनाने का मकसद यही था कि जो लोग अपने आप को FBI नेटवर्क में नहीं ला रहे, जो भाग रहे थे FBI से, कि उनको रजिस्टर किया जाए। नॉन फाइलर और नॉन फाइलर का तो इशू ज़्यादा आ जाता है कि जो फाइलर है या नॉन फाइलर है, इन लोगों को ये रजिस्टर्ड करने का फ़ायदा तो यही होता है कि जो लोग गैर रजिस्टर्ड हैं, जो काम कर रहे हैं मगर अपनी आमदनी छुपा रहे हैं, सासे छुपा रहे हैं, उन लोगों को टैक्स एक्ट में लाने के लिए इस जोन को बनाया गया। क्योंकि पहले अफसर होता था उसके पास रिकवरी भी होती थी, उसको रजिस्टर्ड भी करना होता था, उसको फाइलर भी बनाना होता था, तो उसके लिए ना जो टैक्स पेयर है उनके लिए भी मसला आता था, प्रॉब्लम उनके लिए भी आती थी, जो आने वाला टैक्स पेयर है उसके लिए अफसर के पास बैठ के वेट करना पड़ता था। तो इस जोन को बनाने का मकसद यही उनका था कि इस जोन की वजह से एक तो लोगों को सहूलियात दी जाएँ, फैसिलिटेट किया जाए कि जो आने वाले टैक्स पेयर हैं उनके लिए भी सहूलियात बढ़े, और दूसरी तरफ जो अफसर काम कर रहा है जिसने रिकवरी करनी है या ऑडिट करना है किसी टैक्स पेयर का, कोई भी मसला मसाइल आ रहा है, तो वो उन लोगों को ज़्यादा टाइम दे सके, बजाय इसके कि नए लोगों को आने वालों को टाइम दे और उनको समझाए भी या उनको पकड़े। पहले होता था कि जो टैक्स पेयर नहीं आ रहे होते थे उनको पकड़ा जाता था, तो उनके पास उनके असासे चेक किए जाते थे, पूरा एक सर्वे होता है, तो उसके लिए ये एक टीम इलाहदा डेडिकेट की गई है कि ये टीम जो इसका काम ये है कि जो गैर रजिस्टर्ड हैं, जो टैक्स नेट में नहीं आ रहे, जो अपने आप को छुपा रहे हैं टैक्स नेट से, जो सासे नहीं डिक्लेयर करना चाह रहे, तो ये उन लोगों के लिए बनाया गया है कि ये उन लोगों के जो असासे हैं गैर रजिस्टर्ड लोग हैं उनको बुला के उनको टैक्स नेट में लाएँ, और वो उस तरीके से भी नहीं आते तो फिर इनका फर्दर कार्रवाई होती है कि पहले अपने खुफिया सर्वे करते हैं, खुफिया सर्वे करने के बाद फिर उन लोगों के पास उनके जो जो असासे होते हैं वो तमाम बैंक अकाउंट्स जो भी उनकी तफसीलात होती है इकट्ठी करने के बाद फिर उनको लेटर जारी करते हैं, उनको बुलाते हैं, अगर वो उसी तरह भी नहीं आता तो फिर उनके जाके ये अलर्ट करते हैं, तो उसके बाद ये फर्दर मजीद कार्रवाई की जाए। अच्छा मैडम, रिस्पॉन्स कैसे आया इस्तेमाल कर जो आपने जोन बनाया, लोगों को अवेयरनेस, क्योंकि यहाँ नॉर्मली ज्यादातर लोग तो भाग रहे होते हैं, जो नहीं भाग रहे होते उनको यही नहीं पता होता कि प्रोसीजर क्या है, किस तरह से करना, अवेयरनेस देने में और ओवरऑल इस जोन का रिस्पॉन्स कैसा है? एक्चुअली अवेयरनेस के लिए तो हमने बहुत प्रोग्राम किए हैं, सेमिनार्स किए हैं, वर्कशॉप्स किए हैं, फिर इसके अलावा हमने उनको लेटर्स भी लिखे हैं, गाइडलाइंस इशू की हैं, लेकिन रिस्पांस आपको पता है जो ओवरऑल एक रिस्पांस है टैक्स के सिलसिले में हर कोई उससे डरता है, बिल्कुल है। तो वही रिस्पांस है, और ये कोई भी शख्स अपनी मर्जी से देना नहीं चाहता टैक्स, ये आपकी हार्ड अर्न मनी होती है, आप जो भी आप खुद सोचें, जो आप सैलरी अगर आपने जो आपको मिलती है, जब आपसे कोई मांगता है तो आपका बड़ा हाथ ऐसे चला जाता है कि हमने नहीं देनी, तो आप अपनी इनकम में से टैक्स पे करना एक बड़ा मुश्किल काम है, इसी वजह से हमें विदहोल्डिंग टैक्स रिजीम्स भी लानी पड़ती हैं। तो रिस्पांस जो है वो हम लेकर आए हैं, नेचुरली नहीं आए, नेचुरली नहीं आए, रिलक्टेंट तो होंगे, रिलक्टेंट हैं,
काफी ज्यादा। अच्छा जोन की बात करें तो आज हम बात करें कि बिल्कुल मुतारिफ करवाई गई, फर्दर इसके अंदर क्या अमेंडमेंट्स की जाएंगी, क्योंकि जाहिर है टाइम के साथ साथ चीजें बदलेंगी भी। और जिस तरह आप अभी बता रही थी कि हम विदहोल्डिंग टैक्स वाले रिलीफ भी लाने पड़ते हैं, लेकिन ओवरऑल लोगों में रिलक्टेंसी या इस तरह की चीजें आपको फेस करनी पड़ती हैं, और लोग जो है वो फॉरन से रिस्पॉन्स भी आपको बड़े नेगेटिव होते हैं, क्योंकि टैक्स पेयर वाकई बड़ी मुश्किल से होते हैं। हम अपनी सैलरी में से डिडक्ट करा लेते हैं तो आ जाती है, अगर हमसे कोई मांगेगा तो हम नहीं देंगे। जी बिल्कुल, इस तरह है कि ये अब अगर इसकी आप रूट कॉज देखना चाहते हैं तो वो तो सिर्फ एक है कि यहाँ एजुकेशन नहीं है। ठीक है, जहाँ पर आप देख लें जितनी कंट्रीज जहाँ पे कंप्लायंस है टैक्स के रूल्स की लॉज की, वो कंट्रीज है जहाँ पे उनका लिटरेसी रेट भी नहीं कहेंगे, क्योंकि लिटरेसी रेट तो सिर्फ जो इसकी इंटरनेशनल डेफिनेशन के मुताबिक जो अपना नाम लिख सकता हो और एक जमा तफरीक कर सकता हो उसको कहते हैं। तो एजुकेशन जहाँ पे प्रॉपर होगी तब इसकी कंप्लायंस जो है वो आएगी, अदरवाइज ये है कि हमें उनको फिर ल्योर इन करना पड़ता है। कभी चीज़ें इंसेंटिवाइज करनी होती है, कभी डिस इंसेंटिवाइज करते हैं, उससे फिर ये आते हैं हमारे टैक्स नेट में। इसके लिए अभी जैसे शबीर साहब ने भी जिक्र किया नॉन फाइलर फाइलर का, नॉन फाइलर फाइलर से पहले उसको रजिस्टर होना ज़रूरी है। तो हमारा काम एक स्टेप हायर है, जब वो रजिस्टर होगा तो फिर वो फाइलर या नॉन फाइलर बनेगा। अब इसकी इसमें यही होता है कि जब फाइलर होता है तो अब इस साल से जो एक बहुत बड़ी उन्होंने मेजर चेंज किया, लास्ट टाइम मैंने बताया था कि जो मोटर व्हीकल्स का टोकन टैक्स है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन का है और इसी तरह के और मुख्तलिफ टैक्सेस हैं, उसमें रेट का डिफरेंस है फाइलर नॉन फाइलर का। इस साल से उन्होंने कहा है कि आप गाड़ी नहीं खरीद सकते अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं, और आप 50 लाख से ज़्यादा की प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते अगर आप रजिस्टर्ड नहीं। तो इसलिए इस साल रजिस्टर्ड और फाइलर होने से, जिसको एक शायद आपने एक और टर्म सुनी हो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, एक्टिव टैक्स पेयर उसको कहते हैं जो फाइलर होता है। कहीं पर भी जिस भी जहाँ पर आप बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हैं वो FBR की वेबसाइट पे जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट अवेलेबल है उसको वो लिंक करते हैं और उससे देखते हैं कि ये फाइलर है या नहीं, तो उस लिस्ट में आना बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच मैडम, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शबीर आपका। जनाब आज का मैसेज यही है कि आपने अपने एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देना है, टैक्स से बिल्कुल नहीं भागना, क्योंकि आप टैक्स देंगे तभी तो नया पाकिस्तान बनेगा। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे आपके साथ मजीद भी डिस्कशन करेंगे। आप देखते रहिए जागो लाहौर।